SSTP क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज सभी कैसे हैं? आज मैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। यहां 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लेकिन इनमें से किन्हीं 40 का ही उत्तर देना है। सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों की शुरुआत किन देशों द्वारा प्रारंभ की गई? स्पेन, पुर्तगाल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी। कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी। सप्तवर्ष युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। कॉमन सेंस की रचना किसने की? थॉमस पेन ने, 1789। थॉमस पेन। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति कैसी थी? दयनीय। फ्रांस में पूंजीपतियों को किस वर्ग के अंतर्गत माना जाता था? मध्यम वर्ग। उसे अंतिम रूप से दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? 1848। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 18। वर्षाय की संधि कब संपन्न हुई? 28 जून 1919। गंगा नदी पर गांधी की सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। कोसी नदी का उद्गम स्थल है? गंगोत्री। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। भारत का मानक मध्यान रेखा कितना है? 82°30'। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थापना विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां है। कौन सा है? 7वां। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। भोपाल में रासायनिक गैस दुर्घटना कब हुई? 1984। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 नवंबर 2000 ईस्वी को। डेंगू बीमारी का क्या कारण है? मच्छरों के काटने से। अगला है भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मूल रूप से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद थे? 395। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 42वां। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 18। भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। राज्यसभा उस सदन के सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 250। विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आज दुनिया के सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरी। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? बाढ़। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है तो कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो अदृश्य बेकारी पाई जाती है। अदृश्य बेकारी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा सभी। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पटना। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 64.83 है। उत्पादन का साधन है श्रम। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो इसका हो जाएंगे 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्पादन के कितने साधन हैं? 4। अर्थसाधन का विज्ञान है। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का। SGSY की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999। भारतीय कृषि कानून कृषि मानसून के साथ होता है जुआ।